नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा तीसरी का तीसरा पाठ गौरैया मेरी सहेली ये पाठ देखेंगे। सहेली मीन्स क्या? यस, सहेली मीन्स दोस्त, फ्रेंड। तो देखो, इस चैप्टर में क्या, एक छोटी लड़की है और वो एक चिड़िया है। चिड़िया उस लड़की के कमरे में अपना घोंसला बनाती है, लेकिन उस लड़की को उसका घोंसला अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो वो क्या करती है, बार बार बिगाड़ती है। लेकिन चिड़िया का नाम है गौरैया, वो क्या करती है, अपना हौसला बढ़ाकर वो उसका घोंसला फिर से बनाती है। इसलिए लड़की थक जाती है, लेकिन चिड़िया मीन्स गौरैया नहीं थकती अपना घोंसला बनाने के लिए। इससे उस लड़की से ही सीख मिलती है कि कौन सा भी कार्य बार बार करना चाहिए, तभी हमें यश प्राप्त होता है। देखो, वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह मुझे देखकर फुर्स से उठ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं इतना ज़बरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी चिड़िया से लड़ रही हूँ। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा? धत तेरे की, थक गई, वह भी एक नन्ही गौरैया से। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते थे उतना ही मेरा पारा चढ़ता था। पारा चढ़ना मीन्स बहुत गुस्सा आना। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता जैसे समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए। मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। हिम्मत वाली मीन्स बहुत ही साहस वाली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरते रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उससे मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। देखो कितना अच्छा पाठ है ना ये। देखो, वह घोंसला बनाती, कौन? गौरैया क्या, घोंसला बनाती और मैं बिगाड़ती, और वह छोटी लड़की उसका घोंसला बिगाड़ती। वो छोटी लड़की को देखकर फुर्स से उठ जाती। फुर्स से उठ जाना मीन्स जल्दी उठ जाना, और मैं गुस्से में आ जाती। वो बार बार घोंसला बनाती और ये छोटी लड़की बिगाड़ती। उससे गौरैया उस लड़की को देखकर फुर्स से उठ जाती, इसलिए उस लड़की को गुस्सा आ जाता था। कितना ज़बरदस्त विरोध करती थी वो लड़की, फिर भी गौरैया ने अपने काम से हटी नहीं और वह काम में जुटी रही और अपना घोंसला बनाती रही। ये दोनों का ऐसा संघर्ष बहुत दिन चल गया। धीरे धीरे क्या हो गया, सारे घर में बात फैल गई कि ये जो लड़की है वो एक गौरैया एक चिड़िया से लड़ रही है। भाई साहब उस बच्चे के भाई है, उसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे और बोलते थे, कौन जीता और कौन हारा, मीन्स कौन पीछे हट गया है ना। धत तेरे की, थक गई, वह भी एक नन्ही गौरैया से। भाई साहब उसको चिढ़ाते थे कि ये जो लड़की है वो थक गई है छोटी चिड़िया से, वो भी छोटी चिड़िया से।
भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता था। पारा चढ़ना मीन्स क्या? बहुत गुस्साना। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया। अब बहुत दिन ऐसे चले गए, अब दोनों में शायद समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गई। अब वो लड़की भाई साहब से बोलती, उसके भैया से बोलती है, जाने दो ना भाई साहब। मैं भी उस गौरैया से नाराज रहती थी। ये तो बड़ी हिम्मत वाली निकली, ये जो गौरैया है वो तो क्या बहुत हिम्मत वाली, मीन्स बहुत साहस वाली निकली। मुझे तो इसके सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। देखो, ये लड़की ने एक छोटी चिड़िया से अपना सबक ले लिया, कौन सा? मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। मीन्स हमें भी सबक लेना चाहिए कि हमें मुकाबला करते रहना चाहिए। जो मुकाबला करता है, जो संघर्ष करता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। भाई साहब अच्छे से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाकर मीन्स जोर जोर से हंसने लगी। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब क्या हो गया, दोनों में समझौता हो गया। गौरैया तो पीछे नहीं हट गई, लेकिन छोटी लड़की पीछे हट गई। और अब उसने क्या किया, गौरैया ने अपना घोंसला उस लड़की के कमरे में बना दिया। अब वो उसको गौरैया को अब दो बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। जो तिनके लाती है वो अब उस लड़की के कमरे में बिखरते रहते हैं। लेकिन अब वो लड़की कुछ बोलती है क्या चिड़िया को? नहीं। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, अब गौरैया उसको अच्छे लगने लगी, उसकी सहेली बन गई। उससे मुझे साहस दिखाई देता है, गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। कितना अच्छा पाठ है ना। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, उस संघर्ष में हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। जब तक हमें यश प्राप्त नहीं होता तो बार बार वही कार्य हमें करना। जो हिम्मत वाला रहता है वो हमेशा अपना कार्य पर तत्पर रहता है। वो हमेशा अपना कार्य पार पाड़ता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। ओके, तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।